आपने पीडीएफ भेजी थी ना भैया, 1 रुपया आपने पीडीएफ 232 पुस्तकों की है ना, नाम सबका। तो मैं ही सोच रही थी कि मैं खुद भी पढ़ने बैठूंगी तो बहुत सारी पुस्तक है गुरुदेव की, कि मैं कौन सी अच्छी चूज करूँ ना करूँ ऐसा। तो मुझे ये आइडिया आ रहा है कि हम लोग 3200 पुस्तक में से एक व्यक्ति तो कोई नहीं चुन सकता, मगर हम अपने ग्रुप में जो अश्वमेघ वाला ग्रुप है, जो ज्ञान रथ वाला ग्रुप है, उसमें हम अपने थोड़ी अपनी पसंद की जो हम लोग ज्ञान रथ चलाते हैं, तो वहाँ पे हमको जो एक्सपीरियंस मिलता है कि कौन सी बुक ज्यादा चलती है, और हमको भी जो स्वाध्याय किया अभी तक में क्या क्या कौन सी बुक बहुत पसंद लगती है कि नहीं ये सामने वालों को बहुत अच्छी लगेगी लगेगी, जो उसमें हम 100% अपने तरफ से दे सकते हैं, ऐसा हम अपनी अपनी ओर से एक लिस्ट बनाकर भेज सकते हैं भैया ग्रुप में, उनसे भी हाँ अच्छा है, निकल राइट सकता है ना। राइट। तो शीतल दीदी, आई थिंक जो भैया भी बोल रहे हैं और आप भी बोल रहे हैं और पहले भी आरके सरकार भैया हाँ भी बोले थे, वो ये है कि भैया ने तो मतलब देर बहुत आर अच्छा डिफ बोला कि शांति हाँ कुंजौड़ियो वाली में भी चेक कर लीजिए, मेरा बिल्कुल इतना तो मगज नहीं है, ये सब हो सकता है, छोटा छोटा आइडिया मिल सकता है। बिल्कुल। तो एक एक इनपुट हो गया ज्ञान रथ का, ठीक है। एक हाँ इनपुट हो गया आपका इसका, जो आपकी मैं क्या बोल रही एडवाइस। हूँ कि अभी आप है ना ग्रुप में ऐसा मैसेज डाल दीजिएगा, जो भी परिजन बुक से जो जुड़े हुए हैं उसको तो हाँ पता ही है, तो थोड़े हाँ थोड़े आइडिया मिलते जाएंगे, और हाँ हाँ ठीक वो लोग है ना ग्रुप में भी एक्टिव रहेंगे इस कार्य के लिए, कि है। आप लोग अपनी पसंद की थोड़ी बुकों का नाम मुझे सजेस्ट कर दीजिए, ऐसे आप कुछ लिख के दे दें तो वो लोग सब वो कर देंगे, ठीक है ना। राइट 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 ठीक है और ठीक। भैया अभी मैं सबको माफी मांगती हूँ, जाना पड़ेगा, वो सेंधवा से मेवालाल जी है ना, हाँ अभी हाँ हाँ चांद्रायण व्रत का सब कुछ कहने अच्छा वाले, अच्छा इसलिए अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए प्रणाम दीदी, प्रणाम प्रणाम सभी को, भैया प्रणाम। दीदी को, जय गुरुदेव। जय आई थिंक संतोष भैया आप भी कुछ बोल रहे थे, रेखा दीदी आपने भी ज्वाइन किया है, हर्षद भैया आप भी आलोक प्रणाम भैया, दीदी भैया प्रणाम, संतोष भैया प्रणाम 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 भैया। मैं ये कह रहा था कि हम लोग एक बड़े इवेंट की तरफ जा रहे हैं। एक बड़ा इवेंट है और पिछला एक्सपीरियंस अगर देखिए वर्ल्ड बुक फेयर का, तो उसमें हमारे पास ना आउट ऑफ स्टॉक हो गया था अपना वेद का सेट, राइट। और बड़े इवेंट में जो आएंगे लोग वो कहीं ना कहीं मेंटली प्रिपेयर होके आएंगे कि मुझे कुछ न कुछ चाहिए, और वो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल होंगे। और वेद का अट्रैक्शन, जबकि हमारे बगल में वहाँ पर गीता प्रेस का था, फिर भी हमारा वेद का जो कंजम्पशन था उससे ज़्यादा था, ड्यू टू प्राइस और ड्यू टू इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज। लैंग्वेज भी हमारा जो था वो बायस्ड नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं ड्यू टू पे गीता प्रेस पे, आपने देखा होगा कि बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं। तो अपना हम लोग मतलब न्यूट्रल व्यूज है हमारे गुरुदेव का, है तो कहीं ना कहीं वेद की जो क्वांटिटी है, पिछली बार आउट ऑफ स्टॉक हो गया था, तो इसको जरूर इस बार हम ध्यान रखें कि ज़्यादा से ज़्यादा हो, कम से कम 1008 तो निकालना ही है, इतना तो कमिटमेंट रखे संकल्प हम कि 1008 जब हमारा वहाँ पे होगा हवन कुंड, तो कम से कम इतने सेट तो जाने ही थी मेरे हिसाब से। और बांग में आपको पता ही है, बांग में जो लेके गया वो दोबारा हर एक को ढूंढता है और लेके जाता है, तो मैं समझूंगा कि बुक जो बड़े बुक जो है उसकी क्वांटिटी कम, आउट ऑफ स्टॉक नहीं हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, तो इस पे ध्यान देना जरूरी है। छोटे बुक्स तो आ जाएंगे, कहीं से भी मैनेज कर देंगे, लेकिन जब आउट ऑफ प्रिंट हो जाएगा हमारे पास, उस समय नहीं होगा तो हम नहीं मैनेज कर पाएंगे एट ए टाइम, है ना। परफेक्ट मेरे हिसाब से इसको, परफेक्ट। तो भैया आपके मतलब माध्यम से ना एक सब बहुत अच्छा पॉइंट ये भी निकल के आया है कि पिछले जो जितने भी आयोजन हुए हैं है ना, छोटे बड़े, उसकी जो मेजर मेजर लर्निंग्स हैं उसको भी हम लोग जल्दी से जल्दी जो है कहीं ना कहीं डेफिनेटली अंकित कर लें, है ना, विदाउट एनी बायस, बिल्कुल ताकि मतलब बिल्कुल हमें मालूम है कि हाँ ये चीज थी, मतलब चाहे तो वो 108 कुंडी यज्ञ का हुआ हो, चाहे वो वर्ल्ड बुक फेयर हो, चाहे 251 कुंडी यज्ञ, चाहे जो भी जितना भी अपने सबको मालूम है, और उसको अंकित कर ले ताकि हम लोग इसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहे, जिस जिस चीज की प्रिपरेशन पहले से कर सकते हैं वो हम लोग कर ले, है ना, और अवेयर भी रहे कि ये चीज एटलीस्ट अब फिर से ये चीज नहीं दोहराए, है ना। बहुत अच्छा बिल्कुल पॉइंट। भैया, ठीक है भैया, मैं तो जर्नी में हूँ जयपुर से दिल्ली के लिए, अच्छा और भैया आपके जर्नी जर्नी में सब सारे 108 कुंडली और सारे यज्ञ जो है ना उसकी पुस्तक उसी प्रदर्शन आप में खुद कर लेते हैं, हमारा बढ़िया जर्नी जर्नी, नहीं में। बहुत। और वहां पे अपना रहेगा, चारों पूरे यज्ञ में हैं हम अवेलेबल, अश्वमेध यज्ञ में अपनी रहेगी आपके साथ सहयोग, नहीं नहीं भैया बिल्कुल, टिकट विकेट भी ओके करवाने का स्टॉक। मैं तो सोच रहा था कि अगले हफ्ते जो है ना करवा ही ले।
जब कहिए आप करण, अपना तो ट्रैवलिंग चलता रहता है मुंबई, हाँ तो आप जब कहेंगे हम साथ में चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है नहीं नहीं बिल्कुल ना। बिल्कुल, और आपका सहयोग रहेगा तो हम तो पीछे पीछे हैं। नहीं नहीं भैया, गुरुदेव ने हमें, सहयोग और सब कुछ गुरुदेव ने हमें तो कहा है कि इनका है, आप, और हम सब लोग नहीं पीछे नहीं वो पीछे तो चल है रहे ही, हैं। लेकिन हाँ फिजिकल करते हैं। मार्गदर्शन आपका भी, आपका कॉर्पोरेशन। ठीक भैया, ठीक धन्यवाद ठीक सभी भैया, दीदी धन्यवाद भैया को। सॉरी भैया, अगर कुछ धन्यवाद, गलत बहुत लगा हो, बहुत प्रणाम। अगर कुछ गलत लगा हो तो क्षमा करेंगे, अरे जो भैया बेहतर है वो क्या करेंगे। बात कर रहे हैं, क्या बात कर ठीक रहे हैं। भैया, और प्रणाम। संतोष भैया के बारे में मैं थोड़ा बता दूं, तो संतोष भैया जो है अभी पिछले जो अपने आयोजन हुए हैं दिल्ली में, तो उसमें जो आर्ष ग्रंथ वाला जो सेक्शन है, वेद पुराण शास्त्र वाला, उपनिषद वाला, तो उसमें भैया और कुछ और भैया दीदी तो उस वो ही सेक्शन लेते हैं, और बहुत ज्यादा अच्छे से संलग्न रहते हैं उसमें, तो बहुत बहुत प्रणाम है भैया आपको। प्रणाम भैया, प्रणाम। हर्षद भैया, रेखा दीदी, आप लोग के कोई पॉइंट्स, राहुल भैया, मांगीलाल भैया आपके। सॉरी भैया, प्रणाम सभी को। मैं एक्चुअली वो गर्भ संस्कार की भी हमारी इस समय मीटिंग चलती है ना जूम पे, हाँ तो हाँ हाँ जी, इसलिए मैं बहुत ज्यादा देर के लिए नहीं जुड़ पाई। 4 to 5 की क्लासेस होती है वो भी, तो अच्छा 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 मेरे मोबाइल पे वो चल रही थी, और हाँ इसलिए मैं ज्यादा ध्यान नहीं, तो मैं आपसे वैसे व्यक्तिगत बात कर लूंगी। श्योर श्योर अभी तो मैं श्योर अभी श्योर कोई सुझाव नहीं दे पाऊंगी, पर मैंने बाकी सब बातें सुनी तो मुझे अच्छा लगा, हम एक बार बात कर लेंगे इसके बारे में ठीक है फिर दीदी, ठीक है। मैं ना अब वीडियो भी जी। शेयर और करता हूँ टिकट आप कुछ। कहाँ की करा रहे हो, अश्वमेध यज्ञ की करा रहे हो क्या भैया? हाँ दीदी, मैं तो अपने ऑफिस में जो है ना अपने मैनेजर से बोलने वाला हूँ कि अभी मैं कोई छुट्टी नहीं ले रहा, जहां तक मुझे मालूम है जनवरी में दे देना मुझे 2-3 हफ्ते की। ये सही है। और मुंबई से भी अपने परिजन जुड़े हैं क्या, कोई अश्वमेघ से जो देख रहे हैं उसको प्रोग्राम को? दीदी कुछ परिजन आज अपने फर्स्ट जब 4 बजे ऑन किया था ना, तो उसमें कुछ परिजन थे जो मुंबई से ही जुड़े थे। सुनील भैया थे, एक और अच्छा, भैया थे, तो और एक संजय भैया भी हैं, वो खाड़घर में ही रहते हैं। फिर अपने सत्यशोभा दीदी हैं, श्वेता दीदी हैं, अनुप्रिया दीदी हैं, जागृति दीदी, काफी परिजन जो हैं अब मुंबई क्षेत्र से ही। मेरा भी मन बन रहा है भैया 15 दिन का समय दान देने के लिए वहां पर, अगर गुरुदेव ने स्वीकार किया तो कोशिश करेंगे कि कब इनको ज्यादा आवश्यकता, हम तभी चले जाएंगे फिर बिल्कुल 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 दीदी, जी। और भी इस पे तो काम कर ही रहे हैं अपन, किताबों पे तो करेंगे। मैं एक बार बात कर लूंगी फिर आपसे जी 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 व्यक्तिगत, दीदी, ठीक मैं कॉल करता है हूँ। भाई जी, प्रणाम भाई। प्रणाम दीदी। हर्षद भैया बहुत बहुत प्रणाम। ऑडियो बुक्स की तो देखिए चर्चा बार बार हो रही है भैया। आप हैं क्या कॉल पे अभी? हेलो, आई थिंक हर्षद भैया अभी, भैया आप अगर कुछ बोल रहे तो आप म्यूट पे हैं। हेलो भैया, भैया हेलो, प्रणाम। प्रणाम हेलो भैया। भैया मैं भैया अभी प्रणाम। वीडियो बनाना चालू है, मेरा वीडियो बनाना और ऑडियो एडिटिंग का काम चालू है और मीटिंग भी चालू है। सही है एडिटिंग भैया, सही है सही है। अब बस भैया ये करता देखिए हूँ अभी। अभी ये जितनी भी पुस्तकें अपनी हुई है ना, ये हाँ अलग अलग कैटेगरी में जो फाइनल ऑडिट हो हाँ चुकी है ना, वो अब सारी हाँ वेबसाइट पे आ गई है। मोस्ट होपफुल ये गुरु हाँ पूर्णिमा पे हो जाएगा लॉन्च, तो इस पे सारी पुस्तकें जो है ना विद म्यूजिक, जो जिसमें आपका हाँ इतना महत्वपूर्ण योगदान रहा है, तो सब अब अवेलेबल हो रही है। और भैया इसी में यही निकल के आ रहा है कि हम लोग अश्वमेध यज्ञ तक अगर सारी जो छोटी छोटी पुस्तकें हैं उनका, और उसके अलावा जितनी भी अगर कर लें, तो ये प्रचार प्रसार में भी और अश्वमेध यज्ञ में एक अलॉन्ग विद द हार्ड कॉपी देने के लिए बहुत अच्छा। अरे मैं तो भैया तैयार ही रहता हूँ, एक भी पेंडिंग नहीं है मेरे पास। मुझे मालूम है भैया, आप तो हाँ यंगेस्ट मेंबर हैं। नहीं नहीं भैया बिल्कुल अच्छा। मैं ना हर्षद भैया क्योंकि है कॉल पे ना, मैं एक और चीज वो करता हूँ, और रेखा दीदी आप भी अगर किसी को जानते हैं प्लीज बताइएगा। एडिटिंग के लिए ना दीदी अपने को ना कुछ परिजन वो देखने हैं थोड़े, जो ना ऑडियो बुक की एडिटिंग में हेल्प कर पाए, उसके लिए चाहिए होता है बस थोड़ा अच्छा सा लैपटॉप या कंप्यूटर, और भैया बिल्कुल सिखा देते हैं। भैया का स्टैंडर्ड डायलॉग ये है कि आप मुझे रात में 1 बजे भी फोन करो, मैं सिखाने के लिए तैयार हूँ, और भैया सिखा भी वाह देते हैं। भाई वाह, तो कोई हो ना दीदी आपके नजर में तो आप प्लीज बताइएगा, है ना? ठीक जल्दी से जल्दी बताऊंगी आपको। है ठीक है ठीक है। बिल्कुल 10 साल का बच्चा भी कर सकता है एडिटिंग। हाँ भैया, हाँ हाँ भैया, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आप सबको सिखा देते हैं, बस मैं ही कोई नहीं बड़ी सीख बात पाया, है ही मैं नहीं, थोड़ा कोई पीछे बस रह जाता हूँ, बट टाइम देना है खाली बस। श्योर श्योर श्योर। नहीं नहीं भैया
दीदी ने भी ना पहले भी बहुत से परिजनों को किया था, दीदी के लोगों को जानते हैं, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई 3-4 परिजन आई एम श्योर मिल जाएंगे। ठीक है, आई थिंक कुसुमलता दीदी भी ज्वाइन की है, राधा दीदी भी। दीदी भैया, दीदी बहुत बहुत प्रणाम। आपके कुछ पॉइंट्स दीदी अश्वमेध यज्ञ की पुस्तक प्रदर्शनी के बारे में, जो आपका विचार हो, जो मन में आ रहा हो कि क्या होना चाहिए इसका सफलता का मापदंड, अगर हम लोग आज से 7 महीने बाद 30 जनवरी को बात करें और हम लोग सोचे कि हाँ, ये अश्वमेध यज्ञ की ये पुस्तक प्रदर्शनी हमारे हिसाब से सफल रही, तो क्या मापदंड रहेंगे कुसुमलता दीदी, आपको लगता है? प्रणाम भैया, सभी को प्रणाम भैया, प्रणाम। प्रणाम मैं प्रणाम। तो अभी अभी जुड़ी हूँ तो जुड़ नहीं पाई थी। नहीं, अब आप लोग तो ज्यादा इस सब में एक्सपीरियंस है, सबका जितने भी भैया दीदी हैं, तो आप लोग करिए, पीछे पीछे रहेंगे। नहीं, दीदी, मैं दीदी के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। तो दीदी बनारस से हैं, 108 कुंडी यज्ञ में दीदी बनारस से आ गई दिल्ली, और मतलब और 3-4 परिजनों के साथ पूरा पूरा सहयोग किया। जो पुस्तक प्रदर्शनी थी उसके काउंटर्स पे रहे थे दीदी, है ना? और दीदी, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, आपने जो परिवार निर्माण वाला कैटेगरी था, है ना, और उस कैटेगरी में आप लोग संलग्न थे। और इनफैक्ट अभी बनारस में कंटिन्यूअसली डेली दशाश्वमेध घाट और सुसुवाही और लंका और ITBHU में दीदी और कुछ परिजन रोज ज्ञान रथ लगा रहे हैं। तो दीदी, आप किसी नहीं, हम लोग आपके पीछे हैं, और आप, आपका जो एक्सपीरियंस है, आप प्लीज शेयर कीजिएगा, वो बहुत ज्यादा जो है अपन सबके, मतलब हम सबको आगे बढ़ने में साथ में काम आएगा। जी भैया, अगली बार कोशिश करेंगे अगली मीटिंग जी, बहुत बढ़िया। में। राधा दीदी, आपके कोई पॉइंट्स हैं क्या, आप कुछ शेयर करना चाहते हैं, आपका कुछ विचार आ रहा हो अश्वमेध यज्ञ पुस्तक प्रदर्शनी के बारे में? प्रणाम भैया, मैं तो ऐसा कुछ करती नहीं हूँ, इसलिए मुझे इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है, इसलिए मैं इसमें क्या राय दे सकती हूँ। हाँ, मैं अश्वमेध यज्ञ में अवश्य रहूंगी जी और पुस्तक मेला में भी मैं भाग लेने का पूरा प्रयास करूंगी कि मैं उसमें सब लोगों के साथ में जुड़ करके कुछ सीख सकूं, तो ही रहेगा। बाकी तो मुझे कुछ आता जाता है नहीं, बस अरे दीदी, आप मेरे चुनी गई हैं, परम पूज्य गुरु जी परमवंदनी माता जी ने आपको इसके लिए चुना है। तो आप तो बहुत चीजें आपके माध्यम से होंगी, तो बहुत बहुत नमन वंदन। आप दीदी कहाँ से हैं राधा दीदी? भैया, मैं जयपुर से हूँ। आप जयपुर से हैं, तो ना एक और चीज, सबसे बड़ी मजेदार चीज ना इस अश्वमेध में ये भी हो रही है। तो देखिए, अभी दिनेश लाड भैया बड़ौदा से, संतोष भैया दिल्ली से, राहुल भैया भोपाल से, हर्षद भैया अहमदाबाद से, कुसुमलता दीदी बनारस से, राधा दीदी आप जयपुर से, मांगलाल भैया आप कहाँ से हैं? आप महाराष्ट्र से हैं ना, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन? जी भाई साहब, मैं महाराष्ट्र से, यहाँ कोल्हापुर जिले में कोल्हापुर से, इचलकरंजी। है ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब इतना ज्यादा विस्तृत, उससे जो है ना अलग अलग परिजन अलग अलग जगह से जुड़ रहे हैं। तो हाँ, प्रणाम भैया, प्रणाम प्रणाम। तो ये एक बहुत खास बात है, आई थिंक। तो इतने ज्यादा विचार होंगे और तरी तरीके के विचार होंगे, तो बहुत ही शानदार सब कुछ होने वाला है। ठीक है दीदी जी और भैया, तो बहुत बढ़िया। मेरे ख्याल से तो ना अब सोचते रहते हैं दीदी और भैया, और क्रियान्वयन चालू करते हैं, जो जो भी पॉइंट्स आप लोगों ने बोले हैं उसके ऊपर हम लोग एक्टिविटीज अब चालू कर ही लेते हैं। दिनेश लाड भैया, आपने जो विचार क्रांति वेबसाइट पे इतने बढ़िया तरीके से सारी पुस्तकें हैं, तो मतलब उसको तो मन से इतना ज्यादा जो आता है, बहुत बहुत नमन वंदन। और भैया, शायद वो लिस्ट जो है ना, वो कैटेगरीज जो है, उसका भी प्रयोग अब बहुत अच्छे से अश्वमेध यज्ञ में भी हो सकता है, उसके जो कोलैटरल्स हैं, और तो वो तो उसके लिए भी भैया थोड़ा बात कर लेते हैं एक बार कि कैसे क्या करना है, और वी कुड टेक इट फॉरवर्ड, है ना? राहुल भैया, आप कुछ बोल रहे थे? प्रणाम भैया। हेलो, मैं हाँ बस 1 मिनट रुकू, मैं गाड़ी के किनारे लगा। हाँ भैया, ठीक है। कुसुमलता दीदी, आपको बुक नहीं मिल गई थी ना, ऑडियो बुक? हेलो जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद भैया, बहुत अच्छी बुक मिली है।
है ना। चलिए बहुत बहुत प्रणाम दीदी। हाँ राहुल भैया बताइए। भैया। हेलो। हाँ जी भैया। हाँ, अब मेरा बस ये आइडिया था, हाँ मीटिंग में मैं सुन तो नहीं पाया ज्यादा, रिकॉर्डिंग सुन लूंगा। हाँ हाँ अगर ये जनरल आइडियाज को रखने की मीटिंग है तो हाँ प्रचार प्रसार के लिए अपन लोग दो तीन एस्पेक्ट पे सोच सकते हैं। हाँ एक तो ये कि अश्वमेध यज्ञ में या कहीं पे भी जब अपना परिवार का इवेंट होता है तो रजिस्ट्रेशन होता है कि कौन कौन आया है ना, तो रजिस्ट्रेशन पॉइंट प्लस जो उनके स्टेइंग का एरिया है, जैसे जो होटल्स या लॉजेस या उनके जो ट्विटर हैंडल या जो अगर कुछ मिल सकते पहले से, क्योंकि वरुण भैया ये बता रहे थे ना कि काफी एरियाज में बात हो चुकी है या जो जो रुकने की स्पॉट्स होंगे, तो जो भी अपना प्रचार प्रसार का माध्यम है जो अपन रेगुलरली करते हैं उसमें उन लोगों को टैग करना स्टार्ट करें अभी से, सो दैट कि दे विल बी अवेयर कि पुस्तक प्रदर्शनी एक इवेंट है जो इन इन लोकेशंस पे होगा, या एनी हाउ उनको थोड़ी सी लाइट मिलती रहेगी उसकी, गॉट इट एक गॉट चीज इट। एक्सीलेंट पॉइंट भैया। है ठीक ना। है ठीक है। तो एक तो ये था, क्योंकि अल्टीमेटली पहली मीटिंग में जैसे अपन ने बोला था कि मान लीजिए अगर 4 लाख लोग आ रहे हैं, 10 लाख लोग आ रहे हैं, तो एटलीस्ट पूरे 10 लाख लोग पुस्तक प्रदर्शनी से रूबरू हो, ये टारगेट है। मतलब टारगेट क्या है ये, तो अपन वर्ड दूसरा यूज कर ले, उन तक घर तक पहुंचे गुरु जी का साथ। तो जितने भी लोग आ रहे हैं तो जब आ रहे हैं उसी समय उन्हें पता हो जाना चाहिए कि पुस्तक प्रदर्शनी भी है, मतलब यज्ञ और पुस्तक प्रदर्शनी दोनों है। तो एक तो ये कि अराइवल के समय अप्रोच होना चाहिए सबको, दूसरा जो अराइवल से बच जाए तो उनके स्टेइंग एरिया पे अप्रोच होना चाहिए है ना, और तीसरा ये कि जो सपोज यज्ञ में आ रहे हैं या यज्ञ से रिलेटेड जो भी इवेंट है, मान लो कोई यज्ञ में आ रहा है, कोई सपोज दूसरे इवेंट में आ रहा है उसी से एसोसिएटेड, तो उन इवेंट्स में भी एक कहीं ना कहीं पुस्तक प्रदर्शनी का एक शोकेस हो कि पुस्तक प्रदर्शनी भी है, ये पुस्तक है। तो ये गॉट अगर रहेगा तो फिर वो कॉम्प्रिहेंसिवली सभी तक पहुंचने की कोशिश कर सकते हैं, जी 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 ठीक ये है भैया। एक ये बहुत अच्छे पॉइंट पॉइंट से थे ना। बहुत ही बढ़िया। है। ये था, बाकी अब मैं रिकॉर्डिंग सुन लूँ है ना, ठीक है और ठीक है। नहीं कुछ मैं अगर अभी है तो शेयर फिर करता हूँ थोड़ी कंटिन्यू। देर में रिकॉर्डिंग है ना। ठीक है। और भैया हम लोग ने ये भी डिस्कस किया था जो दीदी भैया अभी आप लोग अभी अभी जुड़े हैं कि हम लोग अब कल से रोज मिलना चालू करेंगे है ना। दिन देखा जाए तो बहुत है और लेकिन दूसरी दृष्टि से देखे तो बहुत ही कम है। मतलब आई थिंक 200 से भी कम दिन बचे हैं अब। शायद 200 भी नहीं बचे हैं अब तो। और एक एक दिन जो है बहुत कीमती है। एक एक घंटा बहुत कीमती है और अवसर बहुत ही स्वर्ण में जैसा अपन सबको मालूम है। तो हम लोग अब रोज मिलेंगे जस्ट टू बी ऑन द सेम पेज। हम लोग ट्राई ये करेंगे कि हम लोग ग्रुप पे ज्यादातर डिस्कशन कर लें ताकि मीटिंग आज तो चली खैर अलग बात होगी लेकिन मीटिंग जो है बहुत ही संक्षेप बहुत ही पॉइंटेड अपनी रहे है ना। जो 40 मिनट की मीटिंग इसीलिए जानबूझ के वो वाला अभी आईडी लिया है जिसमें मतलब 40 मिनट्स की लिमिट है। तो 40 मिनट्स में हम लोग मीटिंग रोज खत्म करने का प्रयास करेंगे या उससे भी अंदर। और हम लोग लेकिन इसे हाँ नित्य करेंगे मतलब हम लोग इसे डेली करेंगे है ना। ये भी ठीक एक है। लर्निंग थी अगर मैं और बोलूँ 108 कुंडली यज्ञ जो दिल्ली में हुआ था कि टुवर्ड द एंड कहीं ना कहीं मीटिंग थोड़ी ज्यादा लंबी होती चली जा रही थी और समय आप लोग सबके पास हम सबके पास लिमिटेड ही है। मतलब वही दिन के 16 घंटे हैं जिनमें से कुछ घंटे वर्क में जाते जाते हैं कुछ घंटे घर के धर्म में भी जाएंगे ही जाएंगे और बाकी सब चीजें। तो मिला जुला के शायद आपके पास मिशन का कार्य करने के लिए शायद 3 या 4 घंटे रहते होंगे या 5 घंटा मतलब 2 से 4 5 घंटा। और उसमें भी आप लोग के और भी गतिविधियां चल रही होंगी जैसे कुसुमलता दीदी हैं बिल्कुल दीदी का ज्ञान रथ चल रहा है। आप लोग और भी प्रोजेक्ट्स में होंगे। मैं भी इस समय मतलब कुछ में हूँ। तो हम लोग क्या अगर हम लोग देखें तो अश्वमेध यज्ञ के स्वर्णिम अवसर के लिए एक अपने पास एक लिमिटेड टाइम है शायद 1 से 1.5 घंटा 2 घंटा शुरू में बाद में बढ़ जाएगा। तो उसमें हम लोग सिर्फ 30 से 40 मिनट ही अपन लोग मीटिंग में करें या फिर इवन लेस। और बाकी सब चीजें जो इसके अराउंड जो क्रियान्वयन होना है ना उसमें अगर कर सकें तो बहुत अच्छा रहेगा है ना। दूसरा एक चीज ये थी कि जब अपना ये प्लान हो जाएगा ना कि कितने रिसोर्सेज मोबिलाइज होना है, तो जो समय दान का फॉर्म है जैसे कि
सब लोग अपने अपने मैनेजर के पीछे लगे हैं कि जनवरी को छुट्टी लेना है, तो लाइक समय का जो दान है वो प्रॉपरली ऑर्गेनाइज हो जाए, मतलब लाइक अपने को रिक्वायरमेंट कितने एग्जीक्यूट करने के लिए और फिर कब अवेलेबिलिटी किसकी है, तो वो अगर फ्लो प्लान हो जाएगा तो जो ग्राउंड पे एग्जीक्यूशन है ना दैट विल बी वेरी फाइन, मतलब जब आदमी चाहिए जब पता पड़ा आदमी कम है और जब आदमी ज्यादा है तब काम कम है। नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल ये करते हैं। और इसके ऊपर मैं एक और चीज शायद शुरू से हम लोग थोड़ा ध्यान रख सकते हैं कि इसको ना, और ये मतलब मेरा पर्सनल ओपिनियन है, इसको हम में से कोई भी प्रोजेक्ट की तरह ना देखें, ये सही में एक पारिवारिक एक्टिविटी है। तो हम लोग यही बोले कि परिवार के जो लोग संलग्न होने वाले हैं है ना, और परिवार के जो लोग जो इसमें मतलब युग साहित्य स्थापित होने वाला है, बिक्री नहीं हो रहा, तो हम लोग वो चीज सोचे भी और बोले भी और वो ही करें, क्योंकि एक्चुअली ये है, मतलब अगर हम लोग सोचे कि तो वो अपने आप हो जाएगा। प्यार और आत्मीयता, मतलब सॉरी थोड़ा सा वैसा लग रहा होगा, लेकिन आई थिंक प्यार और आत्मीयता के साथ करते चले जाएं तो ये इतना शानदार चीज हो जाएगी बहुत ही। तो ये चीज करते हैं बिल्कुल भैया, जो आपने बोला शुरू से प्लानिंग और ये सब अच्छे से करते हैं। इसके लिए कुछ शीट्स मेरे पास हैं, कुछ फॉर्म्स मेरे पास हैं एज अ टेम्पलेट, तो मैं ग्रुप पे डालता हूँ, आप लोग एक बार देखिए, आप लोग को सब लोग को अगर ठीक लगते हैं, वो हम लोग ने कुछ 108 कुंडी यज्ञ के लिए वर्ल्ड बुक फेयर के लिए कुछ वॉलंटियर फॉर्म्स बनाए थे, समय दान कितना आप दे सकते हैं, कौन से दिन दे सकते हैं, कौन सी चीजों में आपकी रुचि है ना, आपको पुस्तक के प्रचार प्रसार में रुचि है या फिर आपको काउंटर्स पे वो करने की रुचि है, कैटेगरी किसमें रुचि है जो आप लोग ने बोला, ये कुछ फॉर्म बनाए थे, तो मैं आप सब लोगों से शेयर करता हूँ, एक बार आप लोग भी देख लीजिए, और अगर आप लोग को भी ठीक लगे तो कल रात को हम लोग उनमें से एक फॉर्म फाइनलाइज कर लेंगे और हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, है ना। ठीक है, और मुझे लगता है ना कुछ जो है हम लोग इंटरेस्टिंग भी इसमें चीजें बीच बीच में करें, जैसे एंड इट शुड नॉट बी डिफिकल्ट, जब हम लोग गीता के श्लोक याद कर लेते हैं, सब कुछ याद कर लेते हैं, तो मुझे ये लगता है कि अश्वमेध यज्ञ की ये जो टीम है, जो पुस्तक प्रदर्शनी की जो टीम है, इसमें हम लोग ऐसा क्यों ना करें कि हम लोग पुस्तकों के नाम याद रख सकते हैं क्या, है ना, हम लोग इतनी चीजें दुनिया की याद रखते हैं, ऑफिस के काम याद रखते हैं, घर की चीजें याद रखते हैं, क्या हम लोग उस मुकाम पे पहुंच सकते हैं कि हम लोग पुस्तकों के नाम याद रख लें पूरे 3200 के, तो वो भी एक चीज है। तो आप लोग सोचिएगा मतलब किस तरीके से हम लोग जो है इंटरेस्ट और भी ज्यादा चीजों का वो करें, पुस्तक क्या हम लोग सारी कैटेगरीज एक साथ बोल सकते हैं, क्या जितनी भी 16 कैटेगरीज और 71 सब कैटेगरी दिनेश राज भैया जो विचार क्रांति वेबसाइट पे है, क्या वो हमें कंठस्थ है, क्या हमें उन कैटेगरीज की सारी पुस्तकों के नाम कंठस्थ हैं, है ना, क्या हम लोग कुछ ऐसी पुस्तकें हैं जो हम लोग, क्या हरियाणा हिम्मत हम लोग कंठस्थ है हमें, है ना, क्या सफल जीवन की दिशाधारा हमें कंठस्थ है, क्या अधिकतम अंक कैसे लाएं ये हमें कंठस्थ है ना। तो हम लोग सोचते हैं कुछ जो है ना इंटरेस्टिंग चीजें। एक और चीज जो आई थिंक दिनेश राठ भैया आपने बोली थी या आर के सरकार भैया ने, कि भावी पीढ़ी जो युवा हैं उनको भी बहुत ज्यादा संलग्न, एक वो बहुत ज्यादा अच्छी चीज होगी कि अगर इस यज्ञ के बाद, इस पुस्तक प्रदर्शनी के बाद, जो गायत्री परिवार है, नॉन गायत्री परिवार के जो युवा पीढ़ी है, जो बच्चे हैं, क्या वो सब लोग परम पूज्य गुरुजी परमवंदनीय माताजी के विचारों से जुड़ गए हैं, उनकी पुस्तकों से जुड़ गए हैं, जो कि एक बहुत बड़ी चीज होगी। तो शायद उसके लिए हमें पुस्तक प्रदर्शनी का भी वेट नहीं करना, मैं तो ये बोलूंगा कि हम लोग इस तैयारी में, जिसमें इस समय मांगीलाल भैया दिख रहे हैं, दिनेश लाल भैया हैं, कुसुमलता दीदी हैं, राहुल भैया हैं, हर्षद भैया हैं, संतोष भैया हैं, इसमें हम लोग घर के बच्चों को भी इन्वॉल्व करें, है ना, मतलब हम लोग वेट ना करें कि पुस्तक प्रदर्शनी में वो लोग मतलब अट्रैक्ट होंगे, नहीं, अगर ये तैयारी है तो ये अश्वमेध उनका भी उत्तर है जितना आपका है मेरा है। तो हम लोग जो अपने घर में बच्चे हैं, अपने घर में जो युवा हैं, अपने घर में जो यंगस्टर्स हैं, उनको भी अश्वमेध यज्ञ के पुस्तक प्रदर्शनी की तैयारी में अगर हम लोग इन्वॉल्व कर पाए तो दैट माइट बी वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स, उनके अंदर भी बहुत कॉन्फिडेंस आएगा कि उन्होंने एक ऐसे इवेंट में संलग्न हुए, है ना, और करते करते जो भी चीज उन्हें पुस्तकों के बारे में, परम पूज्य गुरु जी परमवंदनी माता जी के बारे में, उनके साहित्य के बारे में जानने को मिलेगी, वो एक अलग ही लेवल होगी। तो ये कुछ छोटे छोटे थॉट्स थे, तो इन्हीं को लेके हम लोग अब ये मीटिंग एंड करें क्या, शांति पाठ कर लें क्या दीदी और भैया? शीला दीदी आप भी जुड़े हैं अभी, आपका कोई विचार अश्वमेध यज्ञ का अभी, सॉरी मीटिंग तो एंड हो रही है बट हम लोग कल फिर से मिलेंगे 7:45। हेलो
कल 7:45 बजे रात में क्या? जी 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 दीदी जी, ठीक, ठीक है। मैं और दीदी कोशिश हम लोग करता हूँ वही कल। कर रहे थे कि अब रोज मिलेंगे अपन, है ना? अच्छा ठीक है, ठीक है ठीक ठीक है, है ठीक, चलिए ठीक है दीदी। तो हम लोग ओके शांति पाठ कर लेते हैं। इनफैक्ट दीदी अगर आपको ही करना हो तो आप कर लीजिए और फिर हम लोग मीटिंग एंड कर लेते हैं। ओके। ओम द्यो शांति अंतरिक्ष गुं शांति ही पृथ्वी शांति रापः शांति रोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि ओम शांति 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 सर्वार्थ सुशांतिर्भवतु। चलिए बहुत सुंदर दीदी, आपको सभी दीदी भैया को बहुत बहुत प्रणाम, जय गुरुदेव। कल फिर से मिलते हैं और ग्रुप पे आप लोग प्लीज अपने अपने विचार रखते चलिएगा, है ना? लेट्स मेक द ग्रुप एक्टिव, ठीक है? चलिए बहुत बहुत ओके प्रणाम, ओके धन्यवाद। प्रणाम प्रणाम प्रणाम, धन्यवाद। सभी को प्रणाम दीदी भैया, जय गुरुदेव।